Hello everybody, welcome to my class. Today we discuss chapter number 3, History, Nationalism in India. Class 10th, this is lecture number 2. Second part hai is topic ka. Last topic mein maine aapko bataya tha non-cooperation. Non-cooperation, matlab Indian people ab under the leadership of Mahatma Gandhi, Britishers ko cooperate nahin karenge, unki jo policies hain, unke saath wo sahyog nahin karenge. To ye tha non-cooperation ka idea. तो नॉन कोऑपरेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें मैं आपको याद दिलाऊंगी एक बार गांधी जी की बुक जिसका टाइटल था हिंद स्वराज रिटन इन 1909 उसमें भी बोला था कि जब तक अंग्रेज जब तक भारत के अंदर राज कर रहे हैं जब तक हम इंडियंस उनको कोऑपरेट कर रहे हैं जिस दिन हमने उनको कोऑपरेट करना बंद कर दिया तो अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो इसी का जो ये सीन था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मोमेंटो था वो काफी फेमस हुआ काफी अच्छे तरीके से इंडियन सोसाइटी में स्प्रेड हुआ तो इंडियन सोसाइटी के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मोमेंटो फैला था वो कंट्री की अलग अलग साइड में स्प्रेड हुआ था तो उसके बारे में इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है द मूवमेंट इन द टाउन्स हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे मूवमेंट इन द टाउन्स सेकेंड इसका हमारा टॉपिक रहेगा रिबिलियन इन द कंट्री साइड और थर्ड हमारा रहेगा ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश और फोर्थ रहेगा स्वराज इन प्लांटेशन ये सारा का सारा पार्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट इन द टाउन्स मतलब ये मूवमेंट जो था इसने अपना मोमेंटो टाउन्स के अंदर कैसे स्प्रेड किया और क्या सीन क्रिएट हुए इंडियन सोसाइटी के अंदर मूवमेंट इन द टाउन्स फर्स्ट पॉइंट इज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे कॉलेजेस थे उनको क्या कर दिया उनको लेफ्ट कर दिया उनको छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर जो ओनरशिप थी वो किसकी थी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट की हेडमास्टर टीचर्स एंड लॉयर्स रिजाइन देयर पोस्ट जितने भी गवर्नमेंट हेडमास्टर थे टीचर्स थे उन्होंने अपनी पोस्ट से दे दिए रिजाइन और जितने भी वकील थे उन्होंने अपनी वकालत करनी छोड़ दी थी फॉरन गुड्स वर बॉयकॉटेड जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी फॉरन गुड्स थी दे वर बॉयकॉटेड बाय द इंडियंस इंडियंस उनको बॉयकॉट कर रहे थे बहिष्कार उनका कर रहे थे लिक्वर शॉप्स वाइन शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरन क्लोथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स जितना भी विदेशी कपड़ा था उसको जला दिया गया और जितनी भी वाइन शॉप्स थी उनको पिकेटेड कर दिया गया उनको बंद करवा दिया गया तो इस तरीके से ये लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के लिए या मोमेंटो फेमस करने के लिए नॉन कोऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी और इसका मोमेंटो काफी फेमस हुआ उन्होंने सारे के सारे फॉरन गुड्स फॉरन आइटम्स को छोड़ दिया और उन्होंने क्या सिंबल क्या आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इंडियन सोसाइटी में स्प्रेड हुआ नॉन कोऑपरेशन कि भी हम कोऑपरेट नहीं करेंगे किसके साथ नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ वो तरीके क्या थे वो हमने इसमें डिस्कस किए तो अब जैसे जैसे ये इंडियन लोगों ने इन चीजों को शुरू किया मूवमेंट का हिस्सा बने तो अब थोड़े टाइम के लिए तो लोगों ने इस चीज को कंटिन्यू रखा लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन में इन चीजों को अडॉप्ट नहीं रख सके उसका रीजन क्या था उसका रीजन था और रीजन ही ना कहकर बल्कि इस मूवमेंट के स्लो डाउन का भी ये रीजन बने थे नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट के स्लो डाउन के रीजन भी बने थे और नेक्स्ट हमारा यही होगा टॉपिक स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट मूवमेंट के स्लो डाउन का रीजन था खादी वॉज एक्सपेंसिव जितने भी फॉरेन क्लोथ थे उनको जला दिया गया और उन्होंने खादी को कर दिया शुरू लेकिन स्लो डाउन का रीजन बना खादी वॉज एक्सपेंसिव खादी जो कपड़ा है वो काफी कॉस्टली होता है जिसकी वजह से लोगों ने मजबूरी में फॉरेन क्लोथ्स को दोबारा से यूज करना कर दिया शुरू लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या था इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं थे बल्कि कौन से थे ब्रिटिशर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग थे सारे के सारे इंस्टीट्यूशन तो जितने भी हमारे टीचर्स हेडमास्टर या लोयर्स थे अब उन्होंने दोबारा से उन इंस्टीट्यूशन को रीज्वाइन कर लिया ये इसका रीजन था इस मूवमेंट के मोमेंटो के कम होने का यस बेटा सेकंड टॉपिक है हमारा रिबिलियन इन द कंट्री साइड मतलब कंट्री साइड में रिबिलियन का कैसा नेशनलिज्म का आइडिया रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू मतलब कैसे लोगों ने अपोज किया ब्रिटिशर्स को अवध में एक पर्सनैलिटी थे बाबा रामचंद्र बाबा रामचंद्र जो कि लीडर रहे किसके ये लीडर थे जो वहां पे पीजेंट्री ग्रुप था अवध के अंदर उसके लीडर थे तो पीजेंट्स ग्रुप वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र जिनको बोला गया है एक सन्यासी और ये विक्टिम थे किसके इंडेंचर्ड लेबर के इंडेंचर्ड लेबर क्या थी इसको हिंदी में बोलते हैं गिरमिटिया मजदूरी इंडेंचर्ड लेबर क्या मतलब जो भी वर्कर्स होगा उसके लिए एक बॉन्ड तैयार करवा दिया उसको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसे
एज ए वर्कर, एज ए मजदूर उससे काम करवाया जाएगा और उसको कहीं भी वो भेज सकते हैं, या कंट्री के अंदर उसको रखेंगे या किसी अदर नेशन में उसको भेज दिया जाएगा। तो बाबा रामचंद्र को इस चीज का एक्सपीरियंस था, ये विक्टिम थे किसके, इंडेंचर्ड लेबर के। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा हिस्ट्री के अंदर, नेक्स्ट लेसन के अंदर इसका डीप दे रखा है इंडेंचर्ड लेबर का। तो बाबा रामचंद्र जो कि लीडर थे अवध में जो पीजेंट्री ग्रुप था उसके, और सीजी में ये एज ए इंडेंचर्ड लेबर इन्होंने वर्क किया था। अब यहां पर क्या थी, दे डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम। जो अवध में जो पीजेंट्री ग्रुप बन चुका था, अब उनकी डिमांड क्या थी, दे डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। उनके ऊपर जो रिवेन्यू लगा था, जो लगान लगा था, जो टैक्स इम्पोज कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, उसको क्या करना था, उसको रिडक्ट करना था, उसका रिडक्शन करना था। एंड एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम क्या है, बेगार सिस्टम का मतलब क्या है, फोर्सफुली वर्क विदाउट एनी पेमेंट, बिना पैसे के काम करवाया जाए, उसको हम बोलते हैं बेगारी सिस्टम। तो इस बेगार सिस्टम को खत्म करना था अवध के अंदर से। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जितने भी ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उस सोसाइटी के, उनको भी बॉयकॉट करना था, उनको भी अपोज करना था। तो ये यहां पर इन लोगों ने इस तरीके से अपनी कंट्री साइड में इस रिबिलियन को आगे बढ़ाया था। और अगर हम बात करें अक्टूबर 1920 की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्लस बाबा रामचंद्रा ने, इन दोनों ने अवध के अंदर एक फॉर्मेशन की थी अवध किसान सभा की। किसकी, अवध किसान सभा की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा वन मार्क्स का कि व्हेन वाज अवध किसान सभा सेटअप, तो आपका आंसर होगा इन अक्टूबर 1920 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा को क्या किया, सेटअप किया। तो क्या हुआ, 1921 में द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड एंड बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्स वर टेकन ओवर। ये सारे के सारे इस कंट्री साइड में रिबेलियन हुआ कि जो बड़े बड़े तालुकदार के, मर्चेंट्स के जो हाउसेस थे उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, और दूसरा क्या था, जितने भी बाजार थे, मार्केट्स थी, उनको लूट लिया गया, और जो ग्रेन होर्स थे वर टेकन ओवर, मतलब जो अनाज के जो ढेर थे या गोदाम थे उनको कंट्रोल में कर लिया गया था। तो ये इस मूवमेंट का सीन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। यस, ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की यहां हम बात करेंगे कि ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे। आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, उन्होंने गांधी जी का जो मैसेज था या जो आइडिया था स्वराज का, उसको अलग तरीके से ले लिया था। तो यहां पर हम जिक्र करेंगे आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स का एग्जाम्पल के रूप में, आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स का, जहां पर कौन, जहां से बिलोंग करते थे हमारे अलूरी सीताराम राजू। कौन, अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू गुडेम हिल से बिलोंग करते थे और एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और ये जो हमारे ट्राइबल पीजेंट्स थे, इनकी जो वारफेयर थी, युद्ध की जो रणनीति थी, वो थी गुरिला मिलिटेंट, मतलब गुरिला वोर। गुरिला वोर हमारे इंडिया में मराठे जो थे, मराठाज ने इस टेक्निक को, इसको अडोप्ट कर रखा था, इस युद्ध की नीति को, गुरिला वारफेयर को। क्या होता है गुरिला वारफेयर भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में भी कई बार शरारते करते हो, टीचर नहीं आया, लेक्चर चेंज करने में एक या दो मिनट का जो टाइम लगा, उस दौरान आप एक बच्चे को क्या करते हो, पीछे से ढक लेते हो, किसने उसको कवर किया है ये भी आप नहीं पता लगने देते, और क्या होता, सारे के सारे बॉयज इकट्ठे होकर उसके ऊपर एकदम से धावा बोल दे, और फिर एकदम से सारे आराम से बैठ जाए, तो उसके लिए मुश्किल होगा ये ढूंढ निकालना कि ये मतलब ये शरारत की किसने। तो सेम ऐसे ही टेक्निक थी हमारी गोरिल्ला वारफेयर की, गोरिल्ला मिलिटेंट की, जो कि आंध्र प्रदेश के जो गुडेम हिल्स का जो पीजेंट्री ग्रुप था, ट्राइबल पीजेंट्स थे, वो इसको फॉलो करते थे। अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू जो कि इसके हेड थे। अब देखो, अलूरी सीताराम राजू ने क्या अपने आप को क्लेम्ड किया, अलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन एंड ही पीपल एंड ही कुड सर्वाइव एवन बुलेट शूट्स, मतलब इनको कोई गोली भी नहीं मार सकती, इनके पास नेचुरल पावर है। और ये तो एक तरह से क्या था, इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो भगवान का अवतार हूं,
मैं इंकारनेशन हूँ किसका, गॉड का, मैं तो गॉड के रूप में इस अर्थ के ऊपर आया हूँ लोगों का भला करने के लिए। इस तरीके से अलूरी सीताराम राजू का मानना था और ये गांधी जी के फॉलोअर थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, अपने आप को गांधी जी की जो रणनीतियां थी, जो काम करने का तरीका था उससे ये काफी इंस्पायर्ड थे और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कन्विंस किया था लोगों को कि टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, ये मैसेज इन्होंने सोसाइटी में डिलीवर किया था अलूरी सीताराम राजू जी ने। तो गांधी जी के फैन फॉलोअर भी थे काफी अच्छे। इनका मानना क्या था, इनका मानना था कि इंडिया को अगर एक फ्री इंडिया बनाना है, स्वतंत्र भारत अगर बनाना है तो उसके लिए नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, उसके लिए वायलेशन करना पड़ेगा, मतलब तभी अंग्रेजों से छुटकारा पा सकते हैं, अदरवाइज इंडिया को फ्री नेशन हम नहीं बना सकते। यस, बट एट द सेम टाइम राजू वॉज अरेस्टेड दैट और उन्होंने क्या सॉरी राजू वॉज असर्टेड, उन्होंने जोर देकर एक मैसेज कन्वे किया इंडियन सोसाइटी में कि इंडिया कुड बी लिबर्टेड ओनली By the use of force, only by the use of force, not non-violence. ये इन्होंने मैसेज दिया सोसाइटी में। और जो गुडेम रेबल्स थे उन्होंने अब अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन के ऊपर, अटैम्प टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरी डोन गुरिला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। और लास्ट में क्या हुआ, राजू वॉज कैप्चर्ड, राजू को पकड़ लिया गया एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 और इनको एग्जीक्यूट कर दिया 1924। यस, नेक्स्ट स्वराज इन प्लांटेशन, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का आपको पता है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, रबर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, तो यहां स्पेशली हम जिक्र करेंगे टी प्लांटेशन इन असम। असम की जो टी प्लांटेशन के जो वर्कर्स थे उनकी हालत कैसी थी, कैसे उन्होंने गांधी जी का जो ये नोशन था, जो आइडिया था स्वराज का, किस तरीके से उन्होंने इसको समझा और इसको रिएक्ट किया। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास इन 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया गया था 1859 के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और उन्होंने इस तरीके की जो परमिशन थी वो उन्होंने नहीं ली। तो ये दिक्कत थी इन टी प्लांटेशन वर्कर्स के साथ। और उन्होंने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, उन अथॉरिटीज को क्या करना शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया, उन अथॉरिटीज को की जो इग्नोर करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया प्लांटेशन को लेफ्ट कर दिया एंड दे मूव फॉर होम, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। उन वर्कर्स ने क्या सोचना शुरू कर दिया, दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग, दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, कि उनको उनके गांव जाने के बाद उनकी जो लैंड है वो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, मतलब गांधी राज अब इंडिया में आ चुका और उनके अच्छे दिन आ चुके हैं, ये मानना था जो स्वराज का एक नोशन स्प्रेड हुआ था प्लांटेशन वर्कर्स के पास स्पेशली आसाम में। तो जैसा कि उन्होंने सोचे कि वो घर के लिए अब रवाना हो जाएंगे, तो क्या किया गया रास्ते में बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर पोस्ट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, जितने वर्कर्स भाग गए तो भाग गए, बाकी जो बच गए उनको ब्रिटिशर्स जो पुलिस थी उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की। ये नजारा निकला स्वराज इन प्लांटेशन, स्पेशली इन द असम वर्कर्स ऑफ प्लांटेशन। थैंक यू सो मच। यस, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे हमारे आज के टॉपिक की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द मूवमेंट इन द टाउन्स, मूवमेंट इन द टाउन, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर टीचर्स एंड लॉयर्स रिजाइन देयर पोस्ट, उन्होंने अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दिया, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उनको बहिष्कार कर दिया गया उनका, वाइन शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर्स, विदेशी जो कपड़े थे उनको जलाया गया और जो अपनी इंडियन खादी थी उसका यूज इंडियन सोसाइटी में किया गया। ये टाउन्स का सीन था कि इस मोमेंटो ये मोमेंटो कितना फेमस हुआ था। फिर हमने किए थे इसके कुछ रीजन जो कि इस मूवमेंट की स्लो डाउन के रीजन थे। फर्स्टली इसका क्या था, खादी वॉज एक्सपेंसिव, लोगों ने चरखे काटने तो शुरू कर दिए थे घरों में, खादी भी इंडिया में बनता था उसका यूज लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन इन चीजों को लंबे टाइम तक इंडियन पीपल नहीं इनको कंटिन्यूसली इनका यूज रख पाए थे, बिकॉज खादी वॉज एक्सपेंसिव, खादी जो कपड़ा था वो काफी महंगा था,
लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, भारत के अंदर जो भारतीय संस्थाएं थी उनकी कमी थी, तो इस वजह से दोबारा उन्होंने रिज्वाइन कर लिया था जितने भी इस ग्रुप के लोग थे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट रिबेलियन इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड में कैसे रिबेलियन हुआ। अवध में हमने जिक्र किया था बाबा रामचंद्र जी का, जिन्होंने डिमांड की थी रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम के एबोलिशन की, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। इन अक्टूबर 1920, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन अक्टूबर 1920 पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लस बाबा रामचंद्र सेटअप ओद किसान सभा, इन्होंने सेटअप की थी ओद किसान सभा को बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो ट्राइबल ग्रुप था उसके बारे में हमने जिक्र किया, गुडेव हिल्स आंध्र प्रदेश और गुरिला वारफेयर की इनकी टेक्निक थी, क्लासरूम वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, उसको आप याद रखेंगे गुरिला वारफेयर की टेक्निक से। अलूरी सीताराम राजू के बारे में इसमें डिस्कस किया था कि उनका मानना था कि उनके पास कुछ नेचुरल पावर्स हैं और वो तो भगवान का अवतार है इसलिए वो अर्थ पर आए हैं, गांधी जी के फैन फॉलोवर थे। इनका कहना क्या था कि इंडिया मतलब एक स्वतंत्र भारत जब बन सकता है उसके लिए हमें फोर्सफुली तरीकों का यूज करना पड़ेगा, बट नॉन वायलेंस का यूज हमें नहीं करना है, ये आइडिया था अलूरी सीताराम राजू का। इन लास्ट वी डिस्कस अबाउट स्वराज इन प्लांटेशन, हमने प्लांटेशन में स्वराज का डिस्कस किया जिसमें इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत लोगों ने अथॉरिटी का अपोज करना शुरू कर दिया और अपने घरों की तरफ वो रवाना हो गए, और स्ट्राइक की वजह से, रेलवे स्ट्राइक की वजह से कुछ लोग रास्ते में पकड़े गए और ब्रिटिशर्स ने उनकी जमकर पिटाई की गई। ये हमारे आज के टॉपिक का हमने सारा का सारा इसमें डिस्कस किया। तो अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इंडिया के अंदर ऐसे ही चलता रहा? नो, ऐसे नहीं चलता रहा, बल्कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहां पर गांधी जी ने विड्रॉल कर दिया, उसकी कॉलिंग ऑफ कर दी, उसको बंद कर दिया। इसका रीजन क्या था? अब 1922 में यूपी के गोरखपुर में, कब? 1922 यूपी के गोरखपुर में इंडियन लोगों ने क्या किया, पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसकी वजह से काफी सारे पुलिसकर्मी जिंदा जलकर उसमें मर गए। तो ये भी एक दुखद घटना थी और इसको हम नॉन वायलेंस का तरीका भी कहेंगे। गांधी जी इंडियन लोगों की इस बात से हो गए नाराज और अपनी नाराजगी के चलते उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कर दिया विड्रॉल। तो यहाँ पर ये जो घटना हुई थी यूपी गोरखपुर में, ये जो इंसिडेंट है ये किस नाम से फेमस है? ये फेमस है चोरा चोरी इंसिडेंट, या कई बुक्स में लिखा होता है चोरी चोरा इंसिडेंट, आप इसको कैसे बोले, डजंट मैटर। चोरा चोरी इंसिडेंट इन 1922 इन यूपी स्टेट। आफ्टर दिस गांधी जी विड्रॉल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये क्वेश्चन हमारा 10th क्लास सीबीएसई में अब की बार मैथ में ये क्वेश्चन आया था, क्लियर? तो बेटा आप इसको अच्छे से एक बार इसकी रिविजन करेंगे और एनसीईआरटी में इसको, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप अंडरलाइन करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।